अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस को आप बखूबी समझते होंगे और जानते होंगे। जब आप किसी सब्जेक्ट को तैयार करते हो तो सब्जेक्ट को तैयार करते समय आप इस बात को ध्यान रखते हो कि इसका बेहतर तैयारी डायनेमिक अप्रोच के साथ हो सकता है। तो उसी तरह से आप करंट अफेयर का जो तैयारी है वो आपके स्टैटिक अप्रोच के साथ में होना चाहिए। और इसके लिए कंपटीशन कम्युनिटी अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे करंट अफेयर्स के प्रोग्राम लेकर आ रहा है, जो ना सिर्फ आपको करंट अफेयर्स की तैयारी कराएगा बल्कि साथ में सब्जेक्ट को भी लेकर चलेगा। तो अगर आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम से जरूर जुड़े। प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से होगा, प्रत्येक सोमवार शाम को 7 बजे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक पोखराज सर लेकर आएंगे, यानी कि करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट से रिलेट करके पढ़ाया जाएगा। और प्रत्येक बुधवार को शाम को 7 बजे नेशनल इंटरनेशनल साइंस एंड टेक प्लस एनवायरमेंट विद स्टैटिक, यानी कि यहां भी सब्जेक्ट के साथ करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा या फिर करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट के साथ मिलाकर पढ़ाया जाएगा, और ये हेमंत सर डील करेंगे। और प्रत्येक गुरुवार को यानी कि थर्सडे को नेशनल इंटरनेशनल जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स होंगे शाम को 7 बजे निकहत मैम आपके साथ डील करेंगे विद स्टैटिक, यानी कि वो भी करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके पढ़ाएंगे। और प्रत्येक शुक्रवार को शाम को 7 बजे नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इवेंट्स के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके आकाश सर आपके साथ डील करेंगे। और शनिवार और रविवार का दिन होगा रिवीजन का, यानी कि पूरे साल भर में जितने भी घटनाक्रम है या फिर इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच जाते हैं उसे हम MCQs फॉर्मेट में डील करेंगे। तो कुछ इस तरह से होगा रिवीजन, शनिवार शाम 7 बजे नेशनल इंटरनेशनल के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब MCQ बेस्ड पे हम डील करेंगे और उसे मैं लेकर आऊंगा। और प्रत्येक रविवार को छत्तीसगढ़ करंट अफेयर डील करेंगे MCQs के साथ में, यानी कि पूरे हफ्ते भर में। तो ये अगर पूरे हफ्ते में देखोगे तो 6 से 7 वीडियोस आपको करंट अफेयर्स के मिलने वाले हैं। और अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अगर आप बेहतर रणनीति के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए आप तक पहुंच जाए। तो अगर आप बेहतर रणनीति के साथ पूरे साल भर हमसे जुड़ना चाहते हैं, पूरे साल भर हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप 25 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 25 में से 25 सही करके आएंगे। नमस्कार, गुड इवनिंग। कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के कॉम्प्रीहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं पोखराज करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। ये मेरा सेकंड वीडियो है। जो पहला वीडियो था उसमें फर्स्ट से लेके 17 फरवरी 2022 तक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनका एनालिसिस हमने कर लिया था। सेकेंड वीडियो में 18 से लेके 28 फरवरी, मतलब इस वीडियो में हम फेब जो मंथ है उसको कम्प्लीट कर लेंगे, करंट अफेयर्स को सारा का सारा एनालाइज कर लेंगे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। साथ ही मैं क्या करूंगा, लास्ट वीडियो में मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे उसके भी आंसर्स आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये जो QR कोड आप देख रहे हैं इस QR कोड से आप हमारे नए एप्लीकेशन को कर सकते हैं डाउनलोड। तो बेसिकली कॉम्पिटिशन कम्युनिटी का जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से निरंतर आप हमसे जुड़े रह सकते हैं और उसके माध्यम से आपकी जो तैयारी है उसको बेहतर बना सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन पे हमारे सारे कोर्सेस, हमारे वीडियोस, PDFs जो है वो आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाकर भी कॉम्पिटिशन कम्युनिटी टाइप करके आप डाउनलोड कर सकते हैं या सीधा QR को स्कैन करके भी कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट वीडियो में हमने देखे थे। पहला क्वेश्चन क्या था, निम्न दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन करना था। तो 3 जनवरी 2022 को राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी, इतना ही पढ़ने में आपको पता चल जाएगा कि ये महीना जनवरी नहीं क्या था, फरवरी। तो तुरंत पता चल गया कि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सांसद राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की आधारशिला रखने वाले कौन कौन से श्रमिक, तो रामकुमार निषाद, खुजी मौर्य, सोना नेताम और साथ में कौन थे, मसीयस तिर्की। ये स्टेटमेंट सही है अपने आप में। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का निर्माण छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 4th बटालियन दुर्ग नहीं भैया माना रायपुर में किया है, मतलब स्टेटमेंट नंबर सी भी गलत है। अब हमें क्या करना है, गलत स्टेटमेंट्स का चयन करना है। स्टेटमेंट ए और सी दोनों गलत आ रहे हैं, एक साथ दोनों का चयन तो नहीं कर सकते। ऑप्शन डी को देखें तो लिखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली
आपका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ में खरीफ 2021-22 में सर्वाधिक और न्यूनतम धान खरीदी, तो मैंने आपको बताया था सर्वाधिक राजनांदगांव में हुई थी और न्यूनतम दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये आपके सेकंड क्वेश्चन का क्या होने वाला है सही। चलिए तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देश के पहले आइडिया लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था रायपुर के शांकरा कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, यहां पर किया गया है पहले आइडिया लैब का उद्घाटन। तो ऑप्शन बी में रायपुर दिया है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। फाइनली है क्वेश्चन नंबर फोर, प्रोजेक्ट इंक्लूजन का संबंध किससे है? तो मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट इंक्लूजन में बेसिकली शिक्षकों को क्या दिया जा रहा है, ट्रेनिंग, ताकि जो शारीरिक और मानसिक रूप से किसी ना किसी रोग से ग्रस्त जो बच्चे हैं उनकी पहचान की जा सके और क्या किया जा सके, तो इनके जो कमजोर क्षेत्र हैं उन्हें क्या किया जा सके, सुधारा जा सके। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी में ये सही दिया हुआ है, तो प्रोजेक्ट इंक्लूजन जो है इसका संबंध ऑप्शन नंबर बी से है। ठीक है, चलिए तो ये थे क्वेश्चंस। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, वो क्या? तो वो ये कि लगातार आप लोगों की ये डिमांड थी कि कंपटीशन कम्युनिटी की तरफ से सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस मतलब इंटीग्रेटेड का क्या हो, ऑफलाइन बैच आए। तो देखिए ऑनलाइन बैचेस तो बहुत लंबे समय से चलते ही थे, ऑफलाइन बैचेस हमने स्टार्ट कर दिए हैं। फिलहाल हमारे दो सेंटर्स हैं ऑफलाइन बैचेस के लिए, एक है रायपुर दूसरा है दुर्ग, और दोनों ही सेंटर्स में मैं आपको बता दूं कि 7th of March 2022 से मतलब आज के ही दिन से चालू हो चुकी है ऑफलाइन बैचेस। ये दो नंबर्स दिए हैं बेसिकली आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे 7747901111 और 7869978414। इन दोनों नंबर्स पे कॉल करके आप इन बैचेस की डिटेल ले सकते हैं, चाहे तो हमारे सेंटर्स पर विजिट कर सकते हैं। पता ही होगा रायपुर का सेंटर कहाँ पर है, तो सेकेंड और थर्ड फ्लोर है, साउथ एवेन्यू प्लाजा नाम है, चौबे कॉलोनी में, ठीक है। और दुर्ग जो है ना वो होटल एवलॉन के सामने है, मालवीय नगर चौक के पास, ठीक है, स्टेशन रोड दुर्ग। तो बेसिकली ये दोनों सेंटर्स हैं, अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए सेंटर्स जाके विजिट कर सकते हैं या नंबर्स पे कॉल कर भी आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। एडमिशन अभी चालू है लेकिन सीट्स हैं हमारे पास लिमिटेड, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से जल्दी हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं अपने मेन सेक्शन पे। तो मेन सेक्शन क्या है कि करंट अफेयर्स को हमें देखना है। तो सबसे पहले एक अच्छे से पेन का कलर चूज किया जाए। चलो अब उसके बाद पहला टॉपिक है आज का होली हैम्पर धमतरी। अब हैम्पर तो समझ गए होगे आप लोग यार, बेसिकली हम लोग बार बार ये शब्द जो है ना सुनते रहते हैं, गिफ्ट हैम्पर, मतलब क्या होता है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे गिफ्ट का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो धमतरी की ना एक स्टार्टअप कंपनी है, नाम है क्या, कल्प वृक्ष इंप्रेशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये एक स्टार्टअप कंपनी है धमतरी की। अब ये लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ गांव में जो गौठान होते हैं ना वहां पर जो महिला स्व सहायता समूह है मतलब विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ये लोग बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो है ना उसको ऑर्गेनिक तरीके से बनाती हैं, सही तरीके से बनाती है, प्राकृतिक रूप से बनाती हैं, जैसे कि पापड़ हो गया, उसके बाद अचार हो गया, इसके बाद साबुन हो गया, ठीक है, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। इन सभी चीजों को एक इंटीग्रेटेड ब्रांड नेम जिसका क्या नाम है अर्थ, इस ब्रांड नेम के अंदर लेकर आ रहे हैं कौन, तो कल्प वृक्ष इंप्रेशंस प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है? इसका ऑलरेडी जो है विमोचन हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा चुका है, ठीक है। अच्छा अब अगर इसकी यूटिलिटी को हम देखें तो एक तो यूटिलिटी जो है वो हो जाता है एमसीक्यू में, आपको सीधा पूछ सकता है एमसीक्यू में ये जो अर्थ है ब्रांड नेम इसका संबंध किससे है, ठीक है। तो संबंध किससे है, तो महिला स्व सहायता समूह जो प्राकृतिक रूप से विभिन्न चीजों को उत्पादित करती है उनसे है। उसके अलावा 30 words में एक क्वेश्चन आ सकता है सीधा पेपर नंबर 5 में, आपको पूछेगा होली हैम्पर से आप क्या समझते हैं, तो 30 words का एक क्वेश्चन आप ऐसे भी रेडी कर सकते हैं। मतलब ये जो टॉपिक है ये न सिर्फ एक एमसीक्यू के रूप में प्री के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि ये मेंस के लिए भी 30 words के क्वेश्चन के रूप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा अब ये कंपनी कहाँ की है, तो धमतरी की है, तो आइए थोड़ा सा धमतरी को भी देख ही लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं धमतरी की जो आपको पता होनी चाहिए। अब आप देखोगे छत्तीसगढ़ का ये मैप है और उसमें ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये धमतरी डिस्ट्रिक्ट है। धमतरी डिस्ट्रिक्ट जो है इसका गठन कब हुआ था, तो आपको पता होगा 1998 में
पेरेंट डिस्ट्रिक्ट या मातृ जिला क्या था इसका, तो रायपुर, तो रायपुर इसका मातृ जिला। ठीक है भाई, अब धमतरी से एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी जो है ना, उस नदी का उद्गम है या ओरिजिन है क्या है, तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे, ये जो नदी है इसी को कहते हैं छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। नाम है क्या नदी का, तो महा। अब ये जो महानदी है इसका उद्गम या ओरिजिन कहाँ है, तो है सिहावा पर्वत। क्लियर है ये? ठीक। अब इस महानदी के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, नाम है क्या डैम का, तो नाम है गंगरेल डैम। अब ये जो गंगरेल डैम है 1978 में कंप्लीट हुआ था। अच्छा, ये जो महानदी है इसकी एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी है, नाम है क्या, सिलियारी। और ये जो सिलियारी नदी है ना, ये भी बेसिकली निकलती कहाँ से, तो धमतरी डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, और धमतरी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से, तो धमतरी डिस्ट्रिक्ट के गट्टा सिल्ली से निकलती है। और इस पे एक डैम है, नाम है क्या, मुरुम सिल्ली डैम। और ये कब बना था, तो ये 1923। और ये कैसा डैम है, तो ये एक साइफन डैम। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि बेसिकली ये साइफन डैम क्या होता है। क्लियर। अच्छा, धमतरी शहर की अगर हम बात करेंगे ना, तो धमतरी शहर भी आप कह सकते हैं कि लगभग इस महानदी के तट पर है। एग्जैक्ट नहीं है, लगभग 12-13 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, लेकिन अगर मैं बात करूं धमतरी शहर की, तो ये भी कहाँ है, तो महानदी के तट पर है। अब इस धमतरी में एक मंदिर है जो कई बार पीएससी पूछ चुका है, व्यापम भी पूछ चुका है, नाम है क्या, तो नाम है बिलई माता मंदिर। अच्छा, धमतरी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं। आपको पता होना चाहिए कि 1920 वर्ष 1920 में धमतरी में क्या हुआ था, तो कंडेल नहर सत्याग्रह, ये छत्तीसगढ़ का पहला सत्याग्रह था। और यही रीजन था कि दिसंबर 1920 कितनी तारीख थी, 20 तारीख को गांधी जी छत्तीसगढ़ में आए थे फर्स्ट टाइम। अच्छा, गांधी जी छत्तीसगढ़ में सेकेंड टाइम कब आए थे, तो डेट बहुत इजी है याद रखना, 22/11/33, 22 नवंबर 1933 को पहुंचे थे सेकेंड टाइम छत्तीसगढ़ में। ये जो सेकेंड विजिट है ना, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है, एक बार इसमें से 100 वर्ड्स का क्वेश्चन आया है, एक बार इसमें 30 वर्ड्स का क्वेश्चन आया है। पूछता है कि सेकेंड विजिट जो हुआ था, 100 वर्ड्स में पूछा था उसके बारे में बताओ, 30 वर्ड्स में क्या पूछा था, तो पूछा था इसका कारण क्या था, तो कारण क्या था, हरिजन उत्थान, आप जानते ही होंगे। अच्छा, इसके बाद धमतरी के पास ही, अच्छा कंडेल से एक और चीज बताता हूँ, इसी कंडेल ग्राम में जन्म हुआ था बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव का। तो छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री जब आप पढ़ते होंगे ना, तो एक्सटेंसिवली आप बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के बारे में पढ़ते होंगे, उनका जन्म इसी कंडेल ग्राम में हुआ था। इसके बाद 21/1/22 मतलब 21 जनवरी 1922 क्या हुआ था इस समय, तो बेसिकली हुआ था नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह। और ये जो जंगल सत्याग्रह था, ये छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह था। ध्यान रखना, देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं धमतरी के बारे में। एक और चीज बताऊं, जब गांधी जी सेकेंड टाइम आते हैं छत्तीसगढ़, तो धमतरी को क्या कहते हैं, तो धमतरी बेसिकली अगर आप देखोगे ना, धमतरी में राजनीतिक जागरूकता जो थी ना, बहुत ज्यादा थी, पॉलिटिकल अवेकनिंग उस समय बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए इन्होंने ये कहा था कि ये छत्तीसगढ़ का क्या है, बारडोली है। क्या है धमतरी, छत्तीसगढ़ का बारडोली है। क्लियर। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं धमतरी की ज्योग्राफी में देखोगे, धमतरी की हिस्ट्री में देखोगे, ठीक है, याद रखेंगे तो काफी काम में आएगा आपको प्री में और मेंस। नेक्स्ट, यूक्रेन संकट आप समझ ही रहे होंगे, यूक्रेन में बहुत गहरा संकट चल रहा है युद्ध का। ऑपरेशन गंगा जो है वो कौन चला रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसी लाइन में चलते हुए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी, खासकर मैं कहूँ हमारे सीएम सर ने, इन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि हमारा जो छत्तीसगढ़ भवन है ना दिल्ली में, वहाँ पर एक संपर्क अधिकारी जिनका नाम है
श्री गणेश मिश्री जी। तो अभी संपर्क अधिकारी थे और उनको क्या किया गया है, तो उनको ना नोडल अधिकारी बना दिया गया है यूक्रेन संकट के लिए, और उनके नंबर जारी किए गए हैं, उनका मोबाइल नंबर बताया गया है और लैंडलाइन नंबर, साथ में फैक्स के नंबर्स भी बताए गए हैं। ठीक है, नंबर याद मत कर लेना, उनका मोबाइल नंबर क्या था ऐसा नहीं पूछेगा पीएससी मेरे हिसाब से, पर पूछ भी सकता है। तो बेसिकली जो है ये जो नोडल अधिकारी है, तो जो स्टूडेंट्स हैं जो कि एक्चुअली यूक्रेन में फंसे हैं, इन नंबर्स के माध्यम से नोडल अधिकारी को कॉल करके भी इंफॉर्मेशन अपनी बता सकते हैं, ताकि नोडल अधिकारी उनकी मदद कर सके। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे या गार्जियन हैं जिनके पहचान वाले बेसिकली कहां पर हैं तो यूक्रेन में अभी भी फंसे हैं, वो चाहे तो नोडल अधिकारी से बात कर सकते हैं, स्टूडेंट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं, और अगर कोई इंफॉर्मेशन उनके पास हो तो उस इंफॉर्मेशन को देकर सरकार की हेल्प भी कर सकते हैं। क्लियर? तो यूक्रेन संकट के बारे में इतनी चीजों को आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही डायनेमिक चीज है, हमारे आने वाले करंट अफेयर्स वीडियो में भी अलग अलग समय पर इसके बारे में जरूर चर्चा होगी, अलग अलग एंगल से, छत्तीसगढ़ के एंगल से मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो गौठान मेला हुआ है, कहाँ हुआ है, तो बलौदा बाजार में। तो पहला प्रश्न बनता है प्री का, एक MCQ आपको पूछेगा कि ये जो गौठान मेला हुआ बलौदा बाजार में कब से कब तक हुआ, तो 8 से 28 फरवरी 2022। अगला क्वेश्चन बनता है कि कितने गौठानों में, तो ध्यान रखना है 31 गौठानों में हुआ है। ठीक है भाई, अब आ जाता है मेंस का सेक्शन। अब आपको पूछेगा कि जो गौठान मेला है उसमें क्या किया गया, या गौठान मेला जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या था, तब आप बताएंगे यहां पर पशुओं का टीकाकरण किया गया है। मतलब क्या किया गया है, तो जो पशु है ना बेसिकली उनका वैक्सीनेशन किया गया है, और साथ ही में क्या किया, तो जो गौठान समिति है उनके जो मेंबर्स होते हैं उनको ट्रेन किया गया या उनको ट्रेनिंग दी गई, और साथ में जो आम जनता है उनको कृषि से संबंधित इंफॉर्मेशन जो है वो दिया गया। तो जानवरों का टीकाकरण कर दिया, गौठान समितियों को क्या कर दिया, ट्रेन कर दिया, जो लोकल लोग हैं उनको क्या किया, या जो कॉमन मैन है उनको कृषि से संबंधित इंफॉर्मेशन दे दिया। अच्छा, कुछ चीजों की बिक्री भी हुई है, तो पहले क्या है, वर्मी कंपोस्ट। क्या है? वर्मी कंपोस्ट। और उसके अलावा जो महिला स्व सहायता समूह है, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वो बहुत सारी चीजें बनाती है, एग्जाम्पल बता ही चुका हूँ, साबुन है, फिनाइल है, मसाले, अचार, पापड़, चिप्स, इन सभी को भी वहां पर क्या किया गया है, बेचा गया है। ठीक है, अब एक चीज अगर आपने ध्यान से समझा होगा या देखा होगा तो क्या है वो, गौठान समिति। अगर आपने पंचायती राज की क्लासेस को ढंग से अटेंड किया है, पढ़ा है खुद से या कहीं पढ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राम पंचायत जो है उसमें 5 स्थायी समितियां, स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, जिसके माध्यम से पंचायत क्या करती है, अपने कार्यों का निर्वहन करती है, वर्क्स का एग्जीक्यूशन करती है। क्लियर है? अब ये कौन कौन सी समिति होती है, तो सबसे पहले जो समिति होती है वो होती है सामान्य प्रशासन, इंग्लिश में कहते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी। ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है, या कहूं एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन होता है, वो कौन होता है, तो सरपंच होता है। अब अगली समिति क्या होती है, तो होती है शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज, समलिंगिक कल्याण। शिक्षा मतलब एजुकेशन, स्वास्थ्य मतलब क्या हुआ हेल्थ, समाज कल्याण मतलब सोशल वेलफेयर। अब ये जो समिति है इसका पदेन अध्यक्ष, सदस्य नहीं, पदेन अध्यक्ष मतलब एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन कौन होता है, तो होता है उप सरपंच। तीसरी समिति कौन सी है, तो कृषि, राजस्व और साथ में है वन, एग्रीकल्चर, रेवेन्यू एंड फॉरेस्ट कमिटी। ये 3 हुई, इसके अलावा 2 और कौन सी होती है, तो एक है निर्माण एवं विकास, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और फाइनली होती है ग्राम गौठान समिति। क्लियर है? तो गौठान समिति जो शब्द आया इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि जो ग्राम पंचायत होते हैं उसकी 5 स्टैंडिंग कमिटीज कौन कौन सी होती हैं, इनमें से 2 के अध्यक्ष जो हैं वो पदेन होते हैं, एक्स ऑफिसियो होते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। आई होप ये जो चीजें हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्या है, खाद्यान्न वितरण। देखिए खाद्यान्न वितरण तो बहुत लंबे समय से चल ही रहा है पीडीएस के माध्यम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से। अब नया क्या हुआ है उसको समझते हैं।
तो आपको ध्यान होगा लास्ट वीडियो में हमने देखा था 2 फरवरी 2022 से छत्तीसगढ़ में वन नेशन वन राशन कार्ड ये सिस्टम चालू हो चुका है। क्लियर है, वन नेशन वन राशन कार्ड चालू हो गया। अब हो क्या रहा है, मार्च 2022 से एक और चीज को चालू किया जा रहा है। कौन सी चीज को, वो है बेसिकली ई पॉस उपकरण या ई पॉस मशीन। अब देखो हो क्या रहा था, जब वन नेशन वन राशन कार्ड था तो आप अपने मनपसंद की दुकान से राशन ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी क्या हो सकता था, राशन देने में कुछ गड़बड़ियां हो सकती थी। सरकार क्या कर रही है आई शुड से कि एक मशीन लेकर आई है ई पॉस। अब इस मशीन में होता क्या है ना, इस मशीन में जैसे ही आपका आधार डिटेल जो है इसको फीड किया जाता है तो स्क्रीन पर आपका पूरा डिटेल आ जाता है। अब इस मशीन से एक वजन नापने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहती है, तब आपको जो राशन दिया जाएगा वो राशन इस मशीन पर भी आ जाएगा कि आपके आधार कार्ड पर कितना राशन एग्जैक्टली दिया गया है, ताकि आपके साथ किसी प्रकार की कोई बेईमानी ना हो सके। तो ऐसे मशीन्स के माध्यम से अब क्या किया जाएगा, तो राशन को दिया जाएगा। तो हमारा जो स्टेट है छत्तीसगढ़, उसके जो 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें अभी ऐसे 12,322 दुकान है जिसमें ई पॉस मशीन्स जो हैं वो लग चुकी है, ठीक है। तो राज्य सरकार जिन उचित मूल्य की दुकानों को चला रही है, मतलब फेयर प्राइस शॉप्स को चला रही है, उस पर या उस दुकानों में बेसिकली जो सब्सिडाइज्ड कीमतों पर खाद्यान्न मिलते थे उन्हीं को अब ई पॉस मशीन के द्वारा जो है दिया जाएगा। 24 डिस्ट्रिक्ट 12,322 दुकान आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए क्या क्या काम आ सकता है। सबसे पहले पूछेगा कि ई पॉस उपकरण क्या है, करंट से जोड़ के आपके पेपर नंबर 4 में भी पूछ सकता है, पता है साइंस वाले पेपर में, साइंस टेक वाला जो सेक्शन रहेगा ना पूछ देगा ई पॉस उपकरण क्या है, तो 30 वर्ड्स का एक क्वेश्चन बन सकता है। एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कितने जिलों में, तो ध्यान रखना एमसीक्यू में अभी 24 जिलों में। इसके अलावा आप इसको कहां पर यूज कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी मतलब खाद्य सुरक्षा से संबंधित अगर कोई ऐसे आ गया उसमें यूज कर सकते हैं आप इसको, क्लियर है ये। इसके अलावा इसको आप पेपर नंबर 5 छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी वाला जो पेपर है उसमें छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी भी है, उसमें भी 30 वर्ड्स में इसके संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर है, तो आपको ध्यान रखना है इसे। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है मोतियाबिंद दृष्टिहीनता। मोतियाबिंद मतलब कैटरैक्ट, दृष्टिहीनता मतलब क्या हो गया, समझ गए, आंख की रोशनी चले जाना। मुक्त राज्य योजना, तो बेसिकली इसका उद्देश्य क्या होगा, तो देखो इसका जो उद्देश्य है उसके नाम से ही पता चलता है, तो हमारे स्टेट में जो मोतियाबिंद या कैटरैक्ट से अंधापन या दृष्टिहीनता हो जाती है उसको हमारे राज्य में क्या करना, खत्म कर देना, ताकि कैटरैक्ट के कारण कभी भी किसी की आंख की रोशनी ना जाए। इसी के लिए सरकार ने 2021 में 59,793 लोगों का क्या किया है, तो सफल ऑपरेशन किया है, और लक्ष्य यह रखा है कि 2025 तक 400,000 लोगों का ऑपरेशन कराना है। अब एमसीक्यू के फॉर्मेट में कहोगे तो ये टॉपिक उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई ऐसे आ जाए तो आप इसे आसानी से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, मिस्ड कॉल पर मिलेगा नवीन बिजली कनेक्शन, बहुत बढ़िया। तो अभी तक आपको पता होगा कि अगर हमें नया बिजली कनेक्शन लेना होता था तो क्या होता था, बिजली ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब दो तरीके होंगे, एक तो ऑनलाइन, ऑनलाइन मतलब जो एप्लीकेशन है, कौन सा एप्लीकेशन है, मोर बिजली, इस एप्लीकेशन से भी आप अप्लाई कर सकते हैं नए बिजली कनेक्शन के लिए। मान लीजिए आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, मिस्ड कॉल कर सकते हैं और आपको विभाग के तरफ से कॉल आएगा, वो आपसे डिटेल्स पूछेंगे और डिटेल्स जो है आप जैसे ही बताएंगे तो आपका एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है, तो नया बिजली कनेक्शन दिलाना है, वो भी कैसे, ऑनलाइन माध्यम से। तो जिनके पास
स्मार्टफोन है वो सीधा एक्सेस कर सकते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो क्या करेंगे, मिस्ड कॉल कर देंगे, मिस्ड कॉल करेंगे तो सामने से कॉल आ जाएगा और वो लोग डिटेल्स जो है उसको ऑनलाइन भर देंगे। प्रारंभ कब से हो रहा है, तो मार्च 2022 से ये प्रारंभ हो रहा है, ध्यान रखेंगे आप। और समय सीमा तो ध्यान रखना, होता क्या है जैसे ही आप बिजली कनेक्शन लेने जाओगे ना तो एक डिमांड राशि होती है जिसको भुगतान करना पड़ता है या देना रहता है, तो डिमांड राशि अगर आपने पटा दिया तो अर्बन एरिया शहरी क्षेत्र में 3 दिन में कनेक्शन मिल जाएगा और ग्रामीण जो क्षेत्र है रूरल एरिया उसमें आपको 5 दिन में कनेक्शन जो है नया वो मिल जाएगा, बशर्ते क्या आप अपने घर का कनेक्शन पूरा करा के रखेंगे, वो लोग आके क्या करेंगे सिर्फ खंभे तार देने वाले हैं, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके स्टैटिक पोर्शन में अगर आप देखो तो ये कनेक्शन देता कौन है, तो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी CSPDCL। अब आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2000 को हमारे स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए और उसे बेचने के लिए CSEB का गठन किया गया था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, तो वर्ष 2008 में इसे 5 कंपनियों में क्या कर दिया, पुनर्गठित कर दिया। कौन कौन सी कंपनियां हैं, तो CSPGCL छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, उसके बाद है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, अगली कंपनी कौन सी, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, फिर है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड और फाइनली छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। तो इन 5 कंपनियों में 2008 में पुनर्गठित कर दिया गया। अच्छा, कुछ लोग के मन में आ रहा होगा सर ये 3 हो चुका है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली क्या है, सरकार बहुत लंबे समय से सोच रही थी कि इन 5 का फिर से पुनर्गठन करना है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी के लिए आप 5 मानिए। अगर आप भूल जाते हैं ना तो सबसे पहले ध्यान रखना, एक ट्रिक बता देता हूँ 5 का नाम याद रखने के लिए। सबसे पहले बिजली को जनरेट करेंगे, मान लो कोरबम जनरेट हुई तो उसको ट्रांसमिट करके कहाँ लाए, तो रायपुर, तो जनरेशन ट्रांसमिशन 2 कंपनी हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, अब रायपुर में से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा आपके घर तक, तो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है भाई। अब इसको क्या करते हो, आप अपने घर में यूज करते हो, मतलब आप इसको खरीदते हो तो इसका पैसा पटाते हो, तो ट्रेडिंग, बेचा तो आपने खरीदा, अब पूरा तो आपने यूज नहीं कर लिया, मान लेते हैं कुछ बिजली बच गई वो उन्हीं के पास है, तो होल्डिंग, इस प्रकार से याद कर सकते हैं, ठीक है, बहुत टेक्निकल नहीं है लेकिन इजिली याद कर सकते हैं। तो जनरेट किया, ट्रांसमिट किया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ आपके घर में, आपने खरीद लिया तो क्या हो गया, ट्रेड हो गया, और उसके बाद क्या हुआ, जो बच गया वो उनका होल्डिंग, क्लियर है। तो इस प्रकार से चीजों को आप ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा, अब बेसिकली क्या कर सकते हैं इसका यूटिलाइजेशन, तो सबसे पहले मिस्ड कॉल पर मिलेगा ये जो नवीन बिजली कनेक्शन है, इसको आप 30 वर्ड्स में रेडी कर लेंगे। आपको पूछ सकता है मिस्ड कॉल पर जो नवीन बिजली कनेक्शन योजना है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखो करके 30 वर्ड्स, क्लियर है ये। इसके अलावा ये बहुत आसानी से ऐसे में यूज कर सकते हैं आप, क्लियर। तो ऐसे में अगर विकास या डेवलपमेंट संबंधित कोई भी ऐसे आता है तो इसमें आप बहुत इजीली जो है इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर गिरीश चंदेल। तो आपको पता होगा हमारे राज्य में जो राज्यपाल हैं सुश्री अनुसुईया उइके जी, उन्होंने क्या किया है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के लिए नए वाइस चांसलर को नियुक्त किया है, नाम है क्या, डॉक्टर गिरीश चंदेल। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बारे में मैं आपको बता दूं, 1987 में यह बना, ये एक विभागीय विश्वविद्यालय है। तो छत्तीसगढ़ में अगर आप देखोगे ना तो एक केंद्रीय है, 14 क्या है, तो प्राइवेट विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी है, 8 राजकीय विश्वविद्यालय है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 4 कौन से विश्वविद्यालय हैं, तो 4 जो है वो विभागीय विश्वविद्यालय हैं, उन्हीं 4 में से एक है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, IGKV। और कौन है, तो एक CSBTU भी है, और कौन है तो एक काम धेनु विश्वविद्यालय क्या है, तो ये भी एक विभागीय विश्वविद्यालय है, और एक क्या है तो आयुष, ये भी एक विभागीय विश्वविद्यालय।
क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है ये चार जो है विभागीय विश्वविद्यालय हैं, 8 राजकीय हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, विभागीय मतलब डिपार्टमेंटल, 14 जो है ये क्या है तो प्राइवेट है, 1 जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। क्लियर है ये? ठीक। आयुष यूनिवर्सिटी का नाम किन के नाम पर किया गया है? तो आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर है। कामधेनु यूनिवर्सिटी जो है वो किन के नाम पर है? तो ये दाऊ वासुदेव चंद्राकर के ऊपर जो है इसका नामकरण किया गया है, कामधेनु यूनिवर्सिटी जो कि अंजोरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना, सबसे पहले आपको समझना है कि ये चावल फोर्टिफाइड चावल क्या होता है। तो ये बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा चावल है जिसमें विटामिन ए, विटामिन बी और आयरन जो है ये पर्याप्त मात्रा में होते हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं इससे क्या होगा। तो इससे क्या होगा, जो न्यूट्रिशन है उसमें वृद्धि। क्लियर है? अब समझते हैं उद्देश्य क्या है। तो एनीमिया और कुपोषण से राहत दिलाने के लिए, सीधी सी बात है, एनीमिया मतलब खून की कमी, और कुपोषण के लिए क्या चाहिए, तो पोषक तत्व चाहिए। तो देखिए विटामिन ए है, विटामिन बी है, आयरन है। तो राज्य में एनीमिया और कुपोषण से राहत दिलाने के लिए लोगों के लिए क्या किया जा रहा है, तो फोर्टिफाइड चावल जो है उसके वितरण की योजना जो है स्टार्ट हो रही है। प्रैक्टिकली अगर सोचोगे ना तो 1 नवंबर 2020 योजना स्टार्ट हो चुकी थी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, कहां से, कोंडागांव में। और मार्च 2022 से इसे क्या किया जा रहा है, तो हमारे 10 जो आकांक्षी जिले हैं जहां पर सामाजिक और आर्थिक विकास ज्यादा नहीं हुआ है, और 2 ऐसे हाई बर्डन जिले हैं जिसका नाम है क्या, कबीरधाम और रायगढ़। तो कबीरधाम, रायगढ़ और 10 आकांक्षी जिले, यहां पर क्या किया जा रहा है, मार्च 2022 से फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। अब कैसे वितरण किया जाएगा, तो राशन दुकानों के माध्यम से जो राशन कार्ड धारी हैं उनको प्रत्येक क्विंटल मतलब हर 100 किलो में 1 किलो फोर्टिफाइड चावल मिलाकर दिया जाएगा। तो 100 किलो में 1 किलो फोर्टिफाइड चावल जो है उसे मिलाकर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ये। 30 वर्ड्स में सीधा सा क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना के उद्देश्य लिखिए, क्या उद्देश्य है। क्लियर है? तो 30 वर्ड का एक क्वेश्चन हो सकता है। आपको ये भी पूछ सकता है कि ये प्रारंभ कब हुआ था, तो ये एक MCQ हो जाएगा। अगला MCQ पूछ सकता है कि इसका क्रियान्वयन जो है वो कितने जिलों में किया जा रहा है। क्लियर है? तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आकांक्षी जिले 10, तो मैं आपको याद रखने का बहुत बढ़िया तरीका बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ में आकांक्षी गलत लिखा गया है, शत्रिक्षा आएगा। आकांक्षी में सबसे पहले तो ये 7 हो गए पूरे के पूरे बस्तर संभाग के। ठीक है, कांकेर है, कोंडागांव है, बस्तर है, नारायणपुर है, बीजापुर है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है एक डिस्ट्रिक्ट नाम है क्या इसका, महासमुंद। एक डिस्ट्रिक्ट नाम है क्या इसका, राजनांदगांव। तो 7, 2, 9, फिर एक डिस्ट्रिक्ट याद रखना है कौन सा, कोरबा। ये हो गया 10, ये 10 आकांक्षी जिले हैं। अब हाई बर्डन में ध्यान रखना, कोरबा से लगा हुआ क्या है, रायगढ़, और राजनांदगांव से लगा हुआ क्या है, कबीरधाम। तो ये कबीरधाम हो गया और ये रायगढ़ हो गया। तो ध्यान रखना 10 आकांक्षी, मैंने याद रखने का क्या तरीका बताया, तो मैंने बताया पूरा का पूरा बस्तर संभाग हो गया, उसके बाद रायपुर संभाग से एक क्या है, तो महासमुंद है, दुर्ग संभाग से एक क्या है, तो नांदगांव, और उसके बाद जो बिलासपुर डिवीजन या बिलासपुर संभाग है वहां से कोरबा। तो ये हो गया 10 आकांक्षी जिले। उसके अलावा 2 हाई बर्डन जो थे, रायगढ़ और कबीरधाम, कैसे याद रखोगे, तो कोरबा से लगा क्या है, रायगढ़, और ये राजनांदगांव जो है उससे लगा हुआ क्या है, तो कबीरधाम। तो बहुत इजीली इसको आप याद रख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं चित्रकूट महोत्सव। तो आयोजन बस्तर में हुआ है, कब से कब हुआ है, तो 1 से 3 मार्च 2022। ठीक है, सह प्रायोजक कौन थे इसके, तो हमारी संस्कृति और पुरातत्व विभाग। ये एक MCQ ओरिएंटेड क्वेश्चन है, MCQ के माध्यम से आपको पूछ सकता है कि ये कब आयोजित हुआ और ये कहाँ पर आयोजित हुआ। लेकिन स्टैटिक पोर्शन में ये जो चित्रकूट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, तो भाई जानते छो एक नदी, नाम है क्या, इंद्रावती। अब पता है आपको ये निकलती कहाँ से है भाई, तो ये निकलती है मुंगेर पर्वत का नाम है और कालाहांडी। तो ये हमारा क्या है, कालाहांडी। इसको थोड़ा सा हांडी जो है उसको काला कर दिया जाए। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा काला हो गया।
कालाहांडी, तो मुंगेर पर्वत कालाहांडी से निकली एक नदी, नाम है क्या? तो नाम है इंद्रावती। आई बस्तर के बाद ये हमारे दंतेवाड़ा जिला, फिर बीजापुर, फिर ये बॉर्डर पकड़ लेती है और उसके बाद भद्रकाली, पता है आपको, वहाँ जाकर मिलती है गोदावरी से। ये गोदावरी है, ये इंद्रावती है, यहाँ लिख देता हूँ इंद्रावती, ज़्यादा बेटर रहेगा, ये इंद्रावती है। अब इसी इंद्रावती नदी पर बस्तर जिले में एक जलप्रपात है, नाम है क्या? चित्रकूट। अब ये जो चित्रकूट जलप्रपात है, इसको भारत का नायग्रा भी कहते हैं। इसका शेप कैसा है? तो घोड़े की नाल के जैसा, हॉर्स शू का शेप। चौड़ाई कितनी है? 300 मीटर चौड़ाई है भैया। कितनी है? 300 मीटर। तो ध्यान रखना, इंद्रावती उद्गम बताया, कहाँ मिल जाती है बताया, इसके ऊपर एक क्या बताया मैंने, हॉर्स का स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बताया मैंने, तो बताया एक जलप्रपात है चित्रकूट के नाम से, और ये जो जलप्रपात है हॉर्सशू शेप है इसका, भारत का नायग्रा बोलते हैं इसको, 300 मीटर्स की चौड़ाई है इस जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपको सीधा एमसीक्यू पूछेगा। पहला क्वेश्चन है कि राज्य में कुल कितने विद्यालय हैं, तो याद रखना 73 एकलव्य आदर्श विद्यालय चल रहे हैं, ठीक है। 71 तक आपने पढ़ा होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि दो नए बने हैं, एक कहां, लेलुंगा रायगढ़, और एक कहां है, तो लुंड्रा सरगुजा। तो लेलुंगा रायगढ़ और लुंड्रा कहां पर? सरगुजा, ठीक है। तो बेसिकली ये दो नए बने हैं, कुल 73 हो चुके हैं, दो प्रस्तावित है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग बताना कहां कहां पर दो प्रस्तावित है, कमेंट करके बताएंगे मेरे को, ठीक है। अब समझते हैं इसका उद्देश्य क्या है, तो 30 वर्ड्स में सीधा ये क्वेश्चन बनता है, इसका उद्देश्य बताएं या संक्षेप में इसके बारे में बताएं। तो उद्देश्य क्या है, तो जो एसटी बच्चे हैं, अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, जो कि सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें गुणवत्तापूर्ण मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन देना, ताकि जो बाकी बच्चे हैं उनके वो क्या आ सके, समकक्ष आ सके। ये योजना कब से प्रारंभ हुई है, तो 1997-98 से योजना जो है वो प्रारंभ हो चुकी है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना, क्लियर है। तो क्या बताया उद्देश्य, एसटी जो विद्यार्थी हैं उनको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। अभी छत्तीसगढ़ में 73 चल रहे हैं, ठीक है, कब से, तो 2022-23 का जो सेशन होगा तब से, मतलब प्रैक्टिकली अभी नहीं चालू हुआ है 73, लेकिन 22-23 का जो सेशन है उससे 73 हो जाएगा। कौन सा दो नया है, तो लेलुंगा है रायगढ़ का, और उसके बाद सरगुजा का लुंड्रा, दो नया प्रस्तावित है, जो कि होमवर्क है मेंस के लिए, आपको मैंने बता दिया, आपको पूछ सकता है उद्देश्य। अब उद्देश्य कहां पर काम आएगा आपको, तो आपको पेपर नंबर 5 जो है उसमें पार्ट 1 छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में काम आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ऐसे जो है अगर उसमें जनजाति विकास आया तो भी आप लिख सकते हो, अगर ऐसे आया है एजुकेशन के संबंधित तो भी आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। चलिए अगला क्या है, टीजी कार्ड, ट्रांसजेंडर कार्ड। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्ड है ना, इसका वितरण भी कहां किया गया है, तो बस्तर में किया गया है, समाज कल्याण जो विभाग है वहां का, उसने किया है। तो बेसिकली ट्रांसजेंडर्स को नया पहचान देने के लिए, तो कुछ ऐसे ट्रांसजेंडर्स थे जो कि पहले किसी दूसरे लिंग के थे और उन्होंने क्या किया था, तो लिंग को परिवर्तित करा लिया था, तो वो काफी लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि हमको एक ऐसा कार्ड जो है वो दिया जाए जिससे हमें पहचान मिले, और उसी क्रम में ये जो टीजी कार्ड है इसे दिया गया है। तो अभी तक कुल 32 कार्ड्स को दिया जा चुका है, जिसमें 18 नए हैं, 18 नए कार्ड हैं, कुल 32 दिए जा चुके हैं। काम क्या है, तो जो विपरीत लिंग है उसको क्या करना, तो पहचान देना, क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना है, तो ट्रांसजेंडर जो कि पहले किसी विपरीत लिंग के थे, उन्होंने लिंग परिवर्तन करा लिया है, तो उन्हीं को पहचान देने के लिए ये जो ट्रांसजेंडर कार्ड है इसको क्या किया जा रहा है, इशू किया जा रहा है कहां, तो बस्तर, कौन कर रहा है, तो समाज कल्याण विभाग, कुल 32 नए 18, ठीक है। तो 30 वर्ड्स में एक क्वेश्चन बन सकता है, टीजी कार्ड क्या है, तो बता दीजिएगा भाई ट्रांसजेंडर कार्ड जो है वो क्या है, ठीक, कहां आ सकता है ये, तो ये एक तो ऐसे में आ सकता है और पेपर नंबर 5 में आ सकता है, ठीक। चलिए
उसके अलावा मेंस में मैंने बता दिया, प्री में सीधा पूछ सकता है कुल संख्या, तो एक क्वेश्चन बन गया एमसीक्यू का। अगला पूछ सकता है कौन से जिले में पहली बार दिया गया है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि कहाँ दिया गया है, तो बस्तर में दिया गया है, क्लियर। तो ये टीजी कार्ड था, ठीक। चलिए अब आज का फाइनल क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2022। तो ये जो है ना इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा दिया जाता है डिजिटल टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड, और मैं आपको बता दूं मिला किसको है, तो छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग। तो मैं आपको बताऊंगा और कि हमारे यहाँ पर जो नेशनल इंफॉर्मेशन साइंस सेंटर है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान विभाग, उसके साथ मिलकर एप्लीकेशन जो है बनाए गए थे, एक था एनक्लियर और दूसरा क्या था टेलीप्रैक्टिस। क्यों था, तो हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनके या जो स्टूडेंट्स हैं उनके शैक्षणिक आकलन के लिए, मतलब एजुकेशनल रूप से उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए नेशनल इंफॉर्मेशन साइंस सेंटर के साथ मिलकर दो एप्लीकेशन बनाए गए थे, एनक्लियर और टेली प्रैक्टिस, ठीक है। इसी एप्लीकेशन के उपयोग के लिए इंडियन एक्सप्रेस समूह ने हमारे यहाँ के स्कूल शिक्षा विभाग को क्या दिया है, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020, क्लियर है ये। तो एक तो एमसीक्यू बन सकता है भाई, किसको मिला, किसने दिया, तीसरा कौन से एप्लीकेशन के लिए मिला, तो ये तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। मेंस का क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो आपको पूछ सकता है कि एनक्लियर एप्लीकेशन क्या है, तो ये बेसिकली आपको पेपर फोर साइंस वाले में भी आ सकता है, इसके अलावा ये पेपर नंबर 5 का जो पहला सेक्शन है छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी उसमें भी आ सकता है। तो आप बताएंगे कि एनक्लियर एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसको हमारे स्कूल शिक्षा विभाग ने क्या किया है, नेशनल इंफॉर्मेशन साइंस सेंटर जो है उसके साथ मिलकर डेवलप किया है, ताकि हमारे यहाँ के जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके एजुकेशन का जो प्रोग्रेस है उसे क्या किया जा सके, इवैल्यूएट किया जा सके, या उनकी उनका शैक्षणिक आकलन जो है उसे किया जा सके, क्लियर। तो इस वीक में यही तक है करंट अफेयर्स, इसके बाद ही कुछ क्वेश्चंस जो कि आने वाले हैं डिस्प्ले में आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन है राज्य में कितने लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है, पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कौन से दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जो है वहां पर अध्यापन की स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों में से सत्य कथन बताना है, देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है कौन सा नहीं है, बताइएगा। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करना है, चार ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, आप ऑप्शंस को सिलेक्ट करके बताएं। तो देखिए मैंने आपको मेंस के भी क्वेश्चन बताए हैं, मैंने आपको प्री के भी क्वेश्चन बताए हैं, प्री के क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट में सेक्शन में क्या कर सकते हैं, तो लिखकर कमेंट कर सकते हैं, मैं मुझे पता चल जाएगा कि आप सही बता रहे हैं कि नहीं। साथ ही मैं क्या करूंगा, तो अगले वीडियो में इसके आंसर्स भी बता दूंगा। मेंस के जो क्वेश्चन है उसके लिए आप उसे लिखकर प्रैक्टिस करें, अगर रायपुर में रहना होता है तो कभी आए हमारे सेंटर चेक करा लें, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, कोशिश करें अगर हो सके कभी मिल सके तो मुझसे चेक करा लें, या आपके घर में कोई बड़े हैं जो कि इस फील्ड का नॉलेज रखते हैं तो उनसे चेक करा लें, आपके कोई मित्र हैं जो कि पोस्टेड हैं या पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ मिलकर भी आंसर्स को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप, मुझे लगता है कि ये जो सेशन है आपको पसंद आया होगा, और आप सभी से मुलाकात होगी मेरे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक ले थैंक यू एंड टेक केयर।